आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ लघु गणक क्या होता है, यानी लघु गणक के बारे में आपका पूरी जानकारी दूंगा, सारी चीज जिस भी पेपर में कोई भी यहाँ से सवाल आएगा तो आप अच्छे से कर पाओगे। तो ये जानकारी आपको ऐसी होनी चाहिए क्योंकि ये आगे BSc MSc BTech या कोई भी आप क्लास में आगे पढ़ोगे, साइंस लोगे तो ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। फिजिक्स में भी यूजफुल है, मैथमेटिक्स में भी यूजफुल है और साथ में आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यूजफुल है। तो बहुत ही शानदार टॉपिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। बहुत ही एकदम जीरो लेवल से आपको सिखाऊंगा, ऐसी जानकारी लॉक के बारे में बताऊंगा, परिभाषा से लेकर हर चीज़ जो आपने कभी ऐसे पहले कभी पढ़ी भी ना होगी। और आने वाले जो क्वेश्चंस जो भी लॉक से रिलेटेड होंगे तो उनको आप चुटकियों में देखते ही आप उत्तर उनका बता पाओगे, राइट। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉग अर्थ मतलब लघु गुणक। लघु गुणक होता क्या है, जिसको हम नॉर्मली लॉग बोलते हैं, तो ये होता क्या है उसको समझते हैं। तो लॉग की परिभाषा को हमने देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से लिख रखा है। लॉग क्या बताता है, लॉग हमको यह बताता है कि किसी संख्या से किसी दूसरी संख्या हमको प्राप्त करनी है तो उसको कितनी बार गुणा किया जाए। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ये परिभाषा में मैंने क्या लिख दिया है, लॉग यह बताता है कि किसी संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए कितनी बार गुणा किया जाता है। यानी कि एक किसी संख्या, जैसे मेरे पास में ए संख्या है और हमको ए से बी संख्या प्राप्त करनी है तो इसको कितनी बार मैं गुणा करूं, तो ये कौन बताता है, लॉग बताता है। कैसे बताता है जरा समझो, देखिए एग्जांपल के तौर पर जैसे क्वेश्चन आपने किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई 27 प्राप्त करने के लिए 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, 3 को कितनी बार गुणा करूं कि 27 आ जाए, तो उत्तर मिलेगा 3 बार। 3 को आप 3 गुणा 3 गुणा 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, है कि नहीं। तो अब इसको लॉग के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं जरा देखिएगा, इसका मतलब ये हो गया 3 की पावर 3 बराबर 27, है कि नहीं। तो इसको लॉग के रूप में हम लिख सकते हैं लॉग 3 27 इजकल टू 3। इसका मतलब ये है कि हमको 27 प्राप्त करने के लिए इस 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कितनी बार, ये आपको उत्तर बता दिया, है कि नहीं। देख लो और एग्जांपल देखो कि भाई हमको 36 प्राप्त करने के लिए 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, हमको पता चल रहा है 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लॉग के रूप में कैसे लिखा जाएगा कि 36 प्राप्त करने के लिए इस 6 को 2 बार, ये आपका क्या है, ये वो संख्या है जो प्राप्त करने वाली संख्या, क्या है, प्राप्त करने वाली संख्या होती है, ये होती है कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए, कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। और ये उस संख्या को, कौन सी, ये है संख्या कि इस संख्या को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि ये हो जाए, ठीक है। तो ये चीज है, ऐसे ही अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 100 आ जाए, 2 बार। तो लॉग 10 ऊपर 100, ये पावर में नहीं है, इसका भी मतलब पहले तो यही समझो कि इसको पढ़ा कैसे जाता है, इस लॉग को पढ़ता कैसे हैं हम। देखिएगा यदि आपका इस तरह से लिखा हुआ है लॉग ए बी इजकल टू एक्स, ठीक है, तो अब हम इसको बोलेंगे, या फिर आप ऐसा करिए यहाँ पे वाई लिखिएगा तब ज़्यादा बेटर रहेगा, अब आपको समझ में आएगा। इसको पढ़ेंगे हम लॉग वाई, लॉग वाई ऑन बेस ए, ये है आपका बेस ए। समझ में आई बात, नहीं आई कि हम कैसे पढ़ेंगे, या ये, और यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग एम और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स इजिकल टू बी, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, लॉग एक्स ऑन द बेस एम। तो ये जो आपका वैल्यू है या ये जो आपका डिजिट होता है यहाँ पर, जो भी यहाँ पर दे रखा होता है वो बेस होता है। तो अब हम इसको लॉग एम की पावर एक्स नहीं पढ़ेंगे, इसको हमको क्या पढ़ना है, लॉग एक्स
ऑन द बेस एम, जुकाम हो रखा है, बात समझ में आ गई। तो यहां पर ये जो है आपका, ये आपका बेस है, यहां पर ये आपका बेस है, यहां पर ये क्या है, बेस है, ये बेस है। अभी लॉग की प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा। तो 2^4 = 16 होता है, तो हम इसको लिखेंगे लॉग, लॉग 16 ऑन द बेस 2, मतलब लॉग 16 इसका आधार है 2, इसको आधार, बेस को आधार बोलेंगे, और ये आपका 4 आ गया, बात खत्म। ठीक है, मतलब ये है कि 16 प्राप्त करने के लिए, 16 प्राप्त करने के लिए 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बात खत्म। समझ में आ गई बात, नहीं आई? लॉग का मतलब आपको समझ में आ गया, लॉग क्या होता है। अब देखिए लॉग के बारे में आपने सीख लिया, अब आगे बढ़ते हैं, सीधे सीधी बात करते हैं आगे। ठीक है, ये देखिएगा लॉग भाई आपका दो प्रकार का होता है लॉग, हम दो तरह के लॉगों को पढ़ते हैं, एक प्राकृतिक लॉग होता है, एक सामान्य लॉग होता है। इसको हम बोलेंगे नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, और ये है आपका कॉमन लॉग। ये कौन सा है, कॉमन लॉग, बात समझ में आई। एक तो होता है नेचुरल लॉग और एक होता है कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग को क्या होता है भाई, एक ऐसा लॉग जिसका बेस ई होता है, ई यानी इलर्स नंबर, क्या इलर नंबर जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉग, जिसको हम एल एन से प्रदर्शित करते हैं, एल एन का मतलब लॉग। इसकी खास बात यह है कि इसका बेस जो होता है वो ई होता है, ई, ठीक है, ई का मतलब इलर नंबर होता है, ये इलर्स नंबर, ठीक है, ये होता है इसका बेस। और इसको याद से समझ लीजिएगा हम, और ये देखिएगा, ये जो कॉमन लॉग होता है उसका जो बेस होता है वो 10 होता है, या उसको नॉर्मली लॉग लिखा हुआ है तो समझ जाना इसका जो बेस है 10 है, ये सामान्य लॉग है। ठीक है, इसका क्या है, इसका देखिएगा, यदि आपका इस तरह से लिखा हुआ है लॉग एक्स ऑन द बेस ई, ऐसे लिखा हुआ है, तो हम इसको 2.303 मल्टीप्लाई लॉग एक्स ऐसे, या हम इसको और ऐसे भी चेंज कर सकते हैं 2.303 लॉग बेस 10 एक्स, यानी कि लॉग एक्स ऑन द बेस 10। यहां पर भी लॉग एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब वही है कि सामान्य लॉग है, इसका जो बेस है यहां पर छुपा हुआ है, ठीक है, तो वो 10 है। तो बात समझ में आ गई, बस ये जो है आपका इस तरह से कन्वर्ट होता है, यानी कि जो प्राकृतिक लॉग है बस इतना अंतर है, ये सामान्य लॉग है। अब कुछ प्रॉपर्टी हैं लॉग की, कुछ प्रॉपर्टी हैं, पहले उनको सीखेंगे, फिर आपको सवाल करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, फिर आपको मैं सवाल करके बताऊंगा। स्क्रीनशॉट लेते रहना सारी चीज़ों की। अब पहले प्रॉपर्टी मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर कितनी इसकी प्रॉपर्टी है, फिर उसके बाद में मैं आपको सारी चीज़ों को समझाऊंगा। तो आ जाते हैं लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज पर, कुछ नहीं सभी प्रॉपर्टी मैंने लिख दी है लॉग की, इससे ज़्यादा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी और कई सारे और प्रॉपर्टी बन जाती हैं पर वो प्रॉपर्टी नहीं होती, इन्हीं का यूज करके बनाई जाती हैं। ठीक है, बेसिक यही प्रॉपर्टी हैं। देखिएगा क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिएगा कि लॉग ए ऑन द बेस ए, यानी कि बेस और लॉग की जो वैल्यू है वो दोनों आपस में बराबर हैं तो उसका मान 1 होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, यदि लॉग, मैं कह रहा हूँ 4 ऑन द बेस 4, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ये 4^4 नहीं है, ये बेस 4 है। ऐसे ही लॉग, आपने लिखा देखा होगा लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है यहाँ पर क्या है आपका, इसमें ये लॉग कॉमन लॉग है और कॉमन लॉग में क्या होता है, बेस यहाँ पर छुपा रहता है, तो ये लॉग 10 ऑन द बेस 10 इजिकल टू 1 हो जाएगा। ऐसे ही यदि हम बात करें, ये आपका नेचुरल लॉग है, इस तरीके से आपने बना दिया, तो लॉग ई बेस ई, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। यानी कि कोई भी वैल्यू है आपकी, लॉग यहाँ पर 2 है बेस और यहाँ पर 2 है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1, बात खत्म। ठीक है, इतना सा है। ये आपको लग तो बहुत ईजी रहा है लेकिन इससे बहुत सारे सवाल होते हैं। कैसे होते हैं ये देखिएगा, ये प्रॉपर्टी देखो यहाँ पर, अगली प्रॉपर्टी है लॉग, ये बेस ए है, m की पावर n है, तो n आ गया जाता है लॉग जो कत्यों रहता है,
ठीक है, यानी कि ये जो m की पावर n है तो ये वाला n आगे आ जाता है। जैसे देखिएगा यहाँ पर आपका लिखा हुआ है log, नॉर्मली log लिखा हुआ है, और यहाँ पे समझ लीजिएगा बेस 10 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 की पावर 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 2 आगे आ जाएगा log, ये 10 तो बेस है ही है, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि जो भी पावर होती है वो पीछे आ जाती है। कैसे आ जाती है, पीछे आ जाती है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से इस तरीके से बन गया कि आपका क्वेश्चन बना कि x बराबर आपको दे रखा है log 2 दीपा, यहाँ पर 2 बेस 2 और ऊपर 16 दे रखा है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, log 16 ऑन द बेस 2 ये दे रखा है आपको। इसको सॉल्व करना है तो x की वैल्यू आपसे पूछी है, x की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू कैसे बताएंगे हम, देखो पहली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज बहुत ज़्यादा होता है log में, देखिएगा कैसे। आप जानते हो इस 16 को कितना लिख सकते हो आप, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 होती है, यानी कि 16 होती है, इसीलिए ये है x बराबर, यहाँ पर है ये log, ये 2 जो कहते हैं रहने दो, इस 16 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैंने क्या बताई है कि log बेस तो जो कहते हैं m की पावर n होता है, तो ये वाला n आगे आ जाता है, ऐसे ही ये 2 की पावर 4 है तो 4 आगे आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4 आगे आ जाएगा log ये बेस 2, और ये वाला 2 भी यहाँ पर जो कहते हो ये वाला 2 यहाँ पर बच जाएगा, ये वाला 2 यहाँ पर इस तरीके से बच जाएगा, तो ये बेस का 2 है। तो ये क्या हो गए, जब बेस और ये दोनों आपस में बराबर आ गए, बेस और ये आपस में बराबर आ जाते हैं तो इसका मान 1 हो जाता है, तो इसीलिए ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 इंटू ये हो जाएगा मान 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। इस तरह से आपको प्रॉपर्टीज का यूज करके आगे बढ़ना है, ठीक है, समझ में आ गया आपको क्वेश्चन, बहुत जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपकी ऐसी बहुत सारी सभी प्रॉपर्टी को एक साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी फिर सवाल कराता रहूँगा आपके, ठीक है। ये देखिएगा अगली प्रॉपर्टी, देखिएगा ये वाला सवाल है आपका कि यदि दो चीज़ें आपकी गुणा में दे रखी हैं तो उनको हम अलग अलग जोड़ देते हैं लॉग के साथ, ठीक है। जैसे नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ लॉग एक्स इंटू वाई, ये दोनों गुणा में दे रखी है तो मैं इनको जोड़ दूंगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, इस तरह से जोड़ दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यदि बेस में ए ले लूँगा तो यहाँ पे भी बेस ए लगा दूंगा, यहाँ पे भी बेस ए लगा दूंगा, बात खत्म। तो उस तरीके की प्रॉपर्टी है। जैसे मेरे पास में यदि कोई चीज़ इस तरीके से आपको दे रखी है लॉग, यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे दे रखा है मेरे को 5 × 4, इस तरह से दे रखा है, तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, लॉग 2 बेस 5 फिर प्लस लॉग बेस 2 और ये हो जाएगा 4, इस तरह से आप लिख सकते हो इसको। लॉग 5 आधार इसका 5 है, लॉग 4 इसका आधार 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। आगे देखिएगा यदि यही चीज़ आपकी डिवाइड में दे रखी होती है तो उसमें बस यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाता है। यदि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यदि यहाँ पे बट्टे दे रखा है या डिवाइड दे रखा है, जैसे आपका यदि यही चीज़ होती लेकिन यहाँ पर ये इस तरह से दे रखा होता 5/4, तो हम इसको कैसे कर देते, लॉग बेस 2 तो ये जो कहते हैं रहेगा 5, फिर यहाँ पे लगा देंगे माइनस लॉग ये बेस 2 तो जो कहते हैं रहेगा ये वाला 4 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि माइनस आ जाएगा। गुणा है तो प्लस और यदि बट्टे है तो माइनस, बट्टे का मतलब भाग, ठीक है, समझ में आ गई आपको, ठीक। ये वाला प्रॉपर्टी कैसी है, यदि किसी संख्या की पावर घातांक में लॉग दे रखा है, यदि एक ही पावर लॉग और कुछ दे रखा है लेकिन उसका भी बेस समान है तो वैल्यू वही आती है। जैसे एक एग्जांपल लेकर देखिएगा, यदि मैं कह रहा हूँ यहाँ पे दे रखा है आपका 5 और यहाँ पे दे रखा है लॉग और यहाँ पे लॉग, चलो ऐसा ही समझ लीजिएगा ये लॉग है और यहाँ पे भी बेस 5 दे रखा है और यहाँ पर आपका दे रखा है 6, तो इसकी जो वैल्यू है वो 6 ही हो जाएगी क्योंकि लॉग 5 की पावर में दे रखी है। ये बात को समझो, ये है 2 की पावर लॉग बेस 2 इजकल टू 4 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी, यानी कि लॉग
ये बेस दो है और यहाँ पर घातांक भी दो है, यानी नीचे का जो आपका आधार है ये भी दो है और यहाँ पर इसका बेस भी लॉग का दो है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा, यानी जो संख्या यहाँ पर होती है वही आ जाती है, बात खत्म। आगे देखिएगा, यदि माइनस लॉग दे रखा है तो हम इसमें इस एक्स को बट्टे में कर देते हैं। जैसे यदि आपने कहीं पर देखा होगा कि माइनस लॉग और यहाँ पे दे रखा है आपका पाँच, इस तरह से दे रखा है, तो मैं इसको लॉग एक बट्टे पाँच लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यदि यहाँ पर कोई बेस यहाँ पर मान लीजिए दो है, यहाँ पर भी आप बेस लगा दोगे, इस तरह से लिख दोगे, बात खत्म। बात समझ में आ गई, यदि यहाँ पर बेस है तो बेस लगा दो, बेस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अगली प्रॉपर्टी देखिएगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि यहाँ से काफ़ी सवाल बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। देखिएगा क्या क्या सवाल बनते हैं, जरा यहाँ पर भी समझ लीजिएगा। यदि आपका इस तरह से आपको दे रखा है लॉग, यहाँ पर दे रखा है दो और यहाँ पे दे रखा है पाँच, इस तरह से आपका दे रखा है, और यहाँ पर कोई भी संख्या आप इस तरह से ले रखी है आपने कि लॉग, ध्यान समझिए, जैसे ए है यहाँ पर, तो ए वाला तो यहाँ पे आ जाता कि दो तरफ मैंने लॉग लगा दिया, यहाँ पर ये पाँच है आपका एक्स, तो एक्स यहाँ पर आ गया, यानी कि ये पाँच जोंका त्यों है और यहाँ पर आपका तीन आ गया, और यहाँ पर भी बेस तीन है और ये वाला दो आपका यहाँ पर आ गया, तो ये आपस में बराबर होते हैं। लॉग यदि इस तरह की चीज़ आती है ना, ये प्रॉपर्टी कभी भी ऐसे नहीं लगती है, ये प्रॉपर्टी इस तरह की होती है, इस तरह की होती है, कैसे, यदि आपका लॉग तीन, लॉग बेस तीन फाइव दे रखा है, यानी कि लॉग फाइव ऑन द बेस थ्री अपॉन लॉग टू ऑन द बेस थ्री दे रखा है, तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, नीचे वाला हमेशा बेस बनता है, ये आपकी वैल्यू बनती है, तो क्या हो जाएगा, लॉग ये वाला नीचे वाला हमेशा बेस बनेगा, यानी कि टू और ये आ जाएगा फाइव, इस तरह से आ जाएगा, तो लॉग फाइव ऑन द बेस टू बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेकर देखो, ये आपको बेटर तरीके से समझाएगा। यदि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ लॉग सेवन और यहाँ पर दे रखा है आपका थर्टीन अपॉन यहाँ पे दे रखा है लॉग सेवन और यहाँ पे दे रखा है आपका टू, इस तरह से दे रखा है, चलो यहाँ पे फोर्टीन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको आप कितना लिख सकते हो, इसको कितना लिख सकते हो, पहले देखो लॉग सिक्सटीन ऑन द बेस सेवन, लॉग टू ऑन द बेस सेवन, मतलब ये क्या है, लॉग 16 है इसका आधार 7 है, लॉग 2 है इसका आधार 7 है, दोनों का आधार यदि बराबर है तो हम इसको कितना लिख देंगे, लॉग, आधार से आधार कट गया, बात खत्म, नीचे वाले को हमेशा हम आधार बनाएंगे, लॉग 2 यानी कि बेस बन गया और ये वाला 16 आप यहाँ पर लिख दोगे, इस तरह से लॉग 16, तो ये लॉग 16 पढ़ा जाएगा, लॉग 16 ऑन द बेस 2, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। बात समझ में आ गई, ये वाली प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यही प्रॉपर्टी का ये दूसरा रूप है कि लॉग, यदि लॉग सी की पावर ये दे दीजिए, इस तरीके से लॉग ये बेस है और यहाँ पर यदि ये वैल्यू बन जाता है आपका, ठीक है, यदि ये आपका बेस उधर जाके पावर यानी कि वैल्यू बन जाता है और यहाँ पर ये जो आपका वैल्यू है और यहाँ पर कोई नया बेस आ जाता है तो हम इसको बेस मानेंगे और इस बेस को छोड़ देते हैं, इन दोनों बेस को, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। यदि मैं इस तरह से कह रहा हूँ, यदि लॉग टू बेस फाइव, देखिएगा टू बेस फाइव इंटू लॉग लॉग यहाँ पर आपका थ्री बेस टू दे रखा है, यानी कि लॉग बेस थ्री टू दे रखी है वैल्यू, तो इसको हम कितना लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। आपको देखिएगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला यहाँ पर तो बेस है और यहाँ पर ये वैल्यू बन रही है, तो इन दोनों को हम ख़त्म कर देंगे, इनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा, लॉग ये वाला बेस यहाँ पर रहेगा और ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाती है। बात समझे कि इससे और इससे कोई लेना देना नहीं रहता है, ये वाली वैल्यू जो कहते हैं रहेगी, तो ये वाला बेस जो कहते हैं रहेगा, बेस वाला बेस की जगह पर आ जाएगा, वैल्यू वाला वैल्यू की जगह पर आ जाएगा, बात खत्म। तो लॉग फाइव ऑन द बेस तीन, इस तरीके से बोला जाएगा, ठीक है। ये वाला देखिएगा, ये वाली प्रॉपर्टी होगी, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये यही प्रॉपर्टी का वो है,
इसी तरीके से होगा, देखिएगा लॉग, यदि मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बेस दो है और क्यूब रूट ऑफ 9 सेवन यानी ऐसा लिखिए 27 का लिखा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 27 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, ये वाला 3 1/3 यहाँ पर आ जाएगा, लॉग बेस में 2 रहेगा और ये 27 यहाँ पर जो कहते हो, यानी कि जो भी यहाँ पर होता है nth रूट आप जितना भी कर रहे हो वो वाला आपका नीचे आ जाता है, ठीक है, बात खत्म, इस तरीके से रहेगा। और ये तो आपको पता ही है, वही तरीके का है, यानी यही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगी हुई है। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, यदि आपका इस तरह से है कि यदि log यहाँ पर बेस e है और यहाँ पर e की पावर x आपका लिखा हुआ है, तो ये वाली प्रॉपर्टी पहले लगा दो कि ये वाली चीज़ पीछे आ जाएगी, यानी कि x पीछे आ गई, तो log ये बेस e और यहाँ पर e बचा, जब ये दोनों समान हो जाते हैं तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगी, तो x इंटू 1 यानी कि ये 1 ही आ जाएगा, सॉरी x आ जाएगा, बात खत्म, ये वाला तो लॉ नेचुरल लॉग e की पावर x है तो उसकी वैल्यू भी x होती है, ये तो डायरेक्ट वैल्यू है, आपको पता होनी चाहिए। आई होप कि मैंने आपको ये लॉग की सारी प्रॉपर्टीज आपको समझा दी हैं। अब मैं लॉग के कुछ आपको सवाल करके दिखाऊंगा, तब आपको और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ तक ये लॉग की प्रॉपर्टी हो गई। अब मैं आपको सवाल कराऊंगा, या सवाल मैं आपको कल कराऊँ, बताइए आप, ठीक है, जल्दी से पहले यहाँ तक कर लीजिएगा, फिर यहाँ से आगे कराता हूँ।